मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट न्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर 8 जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो है आपके पास डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। हमने इनिशियल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था, फैराडे एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू हमने मैग्नेटिक मटेरियल को तीन पार्ट के अंदर कैटेगराइज किया था। फर्स्ट इज द डायमैग्नेटिक, सेकेंड इज द पैरामैग्नेटिज्म और थर्ड इज द फेरोमैग्नेटिज्म। आपके पास यहाँ जो हमारे पास आज पढ़ने के लिए है वो है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का मीनिंग क्या है और किन सबस्टेंस को इनके इनसाइड में रखा गया है तो समझिए। मान लीजिए आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है यहाँ पे किसी एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी बेटा, हाई। और सेकंड पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको मिलने वाली है वो कैसी हो बेटा, लो। तो जहां पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको मिले दैट इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, आपको पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इस तरीके से हो तो यहाँ पे इंटेंसिटी कैसी होगी, हाई, और यहाँ इंटेंसिटी कैसी होगी बेटा, लो। दैट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या किया बेटा, एक सबस्टेंस दिया, दैट इज सबस्टेंस। इस सबस्टेंस को जब इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो हमने इस सबस्टेंस का बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। हमने देखा कि ये जो सबस्टेंस है वो इस लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या करता है, मूव करता है। मतलब कि सबस्टेंस की टेंडेंसी है लो इंटेंसिटी से कहां जाने की ओर बेटा, हाई इंटेंसिटी की ओर जाने की। और ये स्लो डिस्प्लेसमेंट था। स्लो क्या था, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं है कि इसमें रखते ही सडनली इधर चला गया, धीरे धीरे इसकी ओर जा रहा था, स्लो डिस्प्लेसमेंट था। इसका मतलब बोलेंगे कि एक आपके पास स्मॉल अट्रैक्शन होगा। स्मॉल क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन दो टाइप के बताए थे, अगर ये बहुत फास्टली इधर जाता तो हम बोलते हैं फास्ट अट्रैक्शन है, और अगर ये धीरे धीरे जा रहा है तो दैट इज स्मॉल अट्रैक्शन आपके पास हुआ। तो ये जो सबस्टेंस है जिसको एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो लो इंटेंसिटी टू हाई इंटेंसिटी जाने की टेंडेंसी रखता है, या बोले एक स्मॉल अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। अब डेफिनेशन देखते हैं बेटा, सच सबस्टेंस विच गेट स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, मतलब कि कुछ अमाउंट में डिस्प्लेस हो जाते हैं व्हेन कैप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब कहां रखा जाता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखा जाता है। ये डिस्प्लेस कहां से कहां होते हैं, फ्रॉम लोअर इंटेंसिटी टू हायर इंटेंसिटी की ओर चले जाते हैं। ये लोअर इंटेंसिटी कहां जाते हैं, हायर इंटेंसिटी, दैट इज स्लाइटली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्लाइटली स्मॉल अमाउंट के अंदर अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पास, आर कॉल्ड पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस। इनको क्या बोला जाता है बेटा, पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस बोला जाता है। एग्जाम्पल में NaCl, AlCl, CuCl2, etc. अब इनके अंदर ये प्रॉपर्टी क्यों हमें मिलती है उसको हमें जानना है, तो उसके लिए देखिए समझिए। हमने डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी किया था, सिमिलरली उसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टी को भी स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये प्रॉपर्टी बेसिकली उन मटेरियल में ज्यादा देखी जाती है जिसके अंदर नॉन कपल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है और इसका ये एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो नॉन कपल हो, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको मिले पेयर में ना हो, तो ऐसे एटम्स के अंदर परमेबिलिटी जो सॉरी पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है उसकी प्रॉपर्टी मैक्सिमम निकल के आएगी। होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे क्या करेगा बेटा, स्पिन करेगा, ये ऐसे बोले ये रोटेशन करेगा इस ऑर्बिट के अंदर। इन दोनों ही कंडीशन में इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। अब जिसका खुद का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है इसका मतलब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी भी है। तो हमने बोला एक सिंगल एटम
जिसके अंदर नॉन कपल इलेक्ट्रॉन हो उसका एक खुद का स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दैट इज इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये सिंगल एटम बिहेव एज ए एटॉमिक मैग्नेट, मतलब कि ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक एटॉमिक मैग्नेट की तरह आपके पास बिहेव करेगा। तो ये एटॉमिक मैग्नेटिक आपके पास बना। अब मान लीजिए ये कोई सबस्टेंस है, ये क्या है, एक सबस्टेंस, और इसमें ऐसे बहुत सारे एटॉमिक मैग्नेट आपके पास प्रेजेंट हैं। इन एटॉमिक मैग्नेट को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डेट फॉर्म। अब होगा क्या, ये जो सबस्टेंस होगा ये एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे होगा। तो कहां होगा, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे होने की वजह से इस सबस्टेंस के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास एक थर्मल एनर्जी होगी। रूम टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इनके पास क्या है, एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है और ये अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसको मैग्नेट डायपोल या मैग्नेटिक डोमेन भी आपके पास बोला जाता है। तो ये एटॉमिक मैग्नेट है, बट इस एटॉमिक मैग्नेट की डायरेक्शन यूनिफॉर्म हो ये कोई कंडीशन बात नहीं होगी। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो रैंडम डायरेक्शन में होता है। रैंडम का मतलब इस सबस्टेंस के एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, दूसरे का इधर होगा, तीसरे का इधर होगा, चौथे का इधर होगा, तो ये सारे क्या होंगे, रैंडमली होंगे। अब होगा क्या कि एक का जिस डायरेक्शन में होगा किसी ना किसी दूसरे का उसके अपोजिट डायरेक्शन भी होगा। जैसे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बनाया मैंने, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिशन की वजह से इनका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो हमें कितना मिलता है बेटा, जीरो। ये कब मिलता है, जब हमने इसको कहाँ रखा है, रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद क्या कंडीशन होगी कि इसी मैग्नेटिक सबस्टेंस को हम क्या करते हैं बेटा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो ये हमारा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इनके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। आपको पता है ना कि टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, एम बी साइन थीटा। अगर कोई डायपोल मोमेंट बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो टॉर्क लगता है और टॉर्क लगने के बाद वो उस मैग्नेट को उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कर देता है, अलाइन कर देता है। अब जितने भी ये एरो हैं ये सब के सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे। जितने भी आपके पास पहले रैंडमली किसी और डायरेक्शन में थे, अब ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने बी लगाया, ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है। ये सब के सब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएंगे बेटा, अलाइन हो जाएंगे। जैसे ही ये सारे डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में आएंगे, अभी क्या था, रैंडमली थे, नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन में थे, सब अलग अलग डायरेक्शन में थे, तो सबका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होके नेट कितना मिल रहा था, जीरो। बट अब क्या होगा कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में है तो सबके जो डायपोल मोमेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, एड हो जाएंगे, और एड होके आपको अब जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो नॉट जीरो ऑप्टन होगा। इसका मतलब अब वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ होगी, कुछ अमाउंट के अंदर होगी। तो एक नॉट जीरो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें मिलने वाला है। तो अब ये जो सबस्टेंस है ये इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये अपना डायपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं बेटा, अलाइन कर लेते हैं, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्मॉल क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, स्मॉल अट्रैक्शन होते हैं, या फिर हम बोले ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइनमेंट ले लेते हैं। तो इस टाइप के जो सबस्टेंस है उनको क्या बोला जाता है बेटा, पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस। तो रीजन क्या देना है पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस के पीछे, ये पैरा मैग्नेट की प्रॉपर्टी उन मटेरियल में ज्यादा होगी जिनके अंदर नॉन कपल इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जब नॉन कपल होगा तो किसी सिंगल एटम का एक खुद का क्या होगा, डायपोल मोमेंट। बट जब हम किसी सबस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे एटम होंगे,
एक एटम का तो होगा लेकिन बहुत सारे एटम होंगे और सब एटम के डायपोल मोमेंट क्या होंगे, रैंडमली होंगे, जिसकी वजह से नेट कितना मिलेगा, जीरो। ये कब होंगे, जब कौन सी एनर्जी होंगी इनके पास, थर्मल एनर्जी होगी आपके पास, जब इसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट कर देंगे तो सारे के सारे डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्मॉल तरीके से क्या होंगे, अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाएगा बेटा, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इस पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक क्यूरी साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपना एक लॉ दिया इस सब्सटेंस के लिए। अब वो लॉ क्या था उस पर ध्यान देना बेटा, ये थ्योरी आपको अपने नोट्स में लिखनी है, साथ में फर्स्ट फिगर ये बनेगा, उसके बाद ये दोनों फिगर उसके नीचे बनेंगे आपके पास, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपके पास जो क्यूरी साइंटिस्ट थे, क्यूरी लॉ में एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्यूरी साइंटिस्ट क्या कहते हैं बेटा, उन्होंने कहा कि ये जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आप लगाओगे, कौन बढ़ाओगे बेटा, बी, जब आप बी को बढ़ाओगे तो ये जो नेट डायपोल मोमेंट है ये बढ़ेगा, ठीक है। तो आपने इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन पढ़ा है, आई इक्वल टू होता है एम बाई बी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये कहते हैं कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको ये बी नोट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, अगर बी नोट को इंक्रीज करोगे तो आपके पास डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, डायपोल मोमेंट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगी। डायरेक्टली बोला जाए तो बी नॉट इंक्रीज करने पे आई क्या होता है, इंक्रीज। क्यूरी ने भी यही बात बोली, उन्होंने बोला कि इस मटेरियल के लिए इंटेंसिटी जो होती है वो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल। एक हमें पता है कि अगर किसी सब्सटेंस को हीट दी जाती है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो डिसमैश हो जाती है, या हम बोले वैनिश हो जाती है, आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर इस सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करते हो, क्या करोगे, टेम्परेचर राइज करोगे तो अब ये जो मॉलिक्यूल है इनको एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी, और अब ये जो इस डायरेक्शन में थे इसमें ना होके रैंडमली किधर भी हो सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, टेम्परेचर राइज किया, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। किसकी वजह से, जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो इनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से ये रैंडमली मोशन करना स्टार्ट करेंगे। अब इनका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब एम डिक्रीज होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। डेट मीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तब डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर राइज करते हो मटेरियल का, तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी जो होगा वो टेम्परेचर के क्या होगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर राइज करोगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आपके पास दोनों इक्वेशन कंबाइन करोगे तो आई प्रोपोर्शनल टू बी नॉट अपॉन में क्या लिखा जाएगा, टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो आई इक्वल टू बन जाएगा सी बी नॉट बाई टी, और सी इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्यूरी कांस्टेंट। अब ये जो क्यूरी कांस्टेंट है ये क्या डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, तो डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली। अगर आप मटेरियल चेंज करोगे तो सी चेंज होगा, अदरवाइज सी चेंज नहीं होता आपके पास। अब देखिए आपने फोर वैक्यूम पढ़ा है, फोर वैक्यूम एच इक्वल टू होता है बी नॉट बाय म्यू नॉट। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन इन परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम का रेशियो आपके पास होता है, तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं बेटा B नॉट इक्वल टू कितना, H ऑफ म्यू नॉट। B नॉट की वैल्यू यहां रिप्लेस कर देंगे हम लोग, तो आपके पास I इक्वल टू बन जाएगा C, B नॉट की जगह क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, H म्यू नॉट अपॉन में क्या, T। ऐसा करो H को I के अपॉन में ले आओ, तो I बाई H इक्वल टू बन जाएगा C म्यू नॉट बाई T। अब आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही है कि यहां लिख देते हैं चलो, जो सस्केबिलिटी होती है डेट इज नेटर एम इक्वल टू कितना होता है आई बाई एच, तो आई बाई एच को हम लिख देंगे नेटर एम, तो नेटर एम इक्वल टू होगा सी म्यू नॉट बाई टी डेट इज ओवर रिजल्ट। तो क्यूरी ये बताते हैं कि जो सस्केबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है।
किस मटेरियल के लिए? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। यहां से अगर मैं निकालना चाहूं यूनिट ऑफ सी, यूनिट ऑफ सी, तो आप लिख सकते हो सी इक्वल टू नेटा एम, नेटा एम टी अपॉन में क्या, म्यू नॉट। ठीक है, तो सी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, टेम्परेचर। यूनिट कांस्टेंट टेम्परेचर डायरेक्टली क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल है इसलिए इसका यूनिट भी क्या आएगा बेटा, केल्विन। तो क्यूरी कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, केल्विन। ये हमारा आंसर है। और साथ ही इस टॉपिक को नोट्स में कैसे दिखना है, इसके लिए मैं इसके बाद में एक वीडियो एडिट करने वाला हूँ, जिस पे मैं स्क्रीन पे समझाऊंगा कि इस तरीके से आपको लिखना है। तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर अभी तक आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बेटा। देखते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को किस तरीके से आपको लिखना है। ये हमारा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है। दिस सबस्टेंस व्हेन प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूविंग स्लाइटली फ्रॉम, दे आर स्लाइटली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। वी से डेट आर दे एक्वायर स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप। दिस सबस्टेंस आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो पैरामैग्नेटिक को डिफाइन हमने ऐसे ही किया था कि आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक तो था स्ट्रॉन्ग और दूसरा क्या था बेटा, वीक। हमने बोला यहाँ पे क्या रखा गया है, एक सबस्टेंस रखा गया है। इसको जब इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये वीक से कहाँ जाता है बेटा, आपके पास स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करता है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा, पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस आपके पास बोला जाता है। अब हमें जो एक्सप्लेनेशन देनी है वो देनी है पैरामैग्नेटिज्म की। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली उन मटेरियल के अंदर होगी जिनके पास क्या होंगे बेटा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। सो एवरी एटम हैज मैग्नेटिक मोमेंट। देखो अनपेयर होने का फ़ायदा ये होगा कि ये न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन के अंदर ये ऑर्बिट है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर है। तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं कितना है, एम। ये हमेशा रहेगा, इसको कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन होता तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके अपोजिट होता और दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, कैंसिल, जैसा हम लोग डाई मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर देख रहे थे। जबकि यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पर एक सिंगल एटम का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही होगा। सो लिखा गया है एवरी एटम इज ए मैग्नेटिक मोमेंट। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। एक्चुअल में क्या है कि ये जैसे कि आपके पास सबस्टेंस शो किया गया है, ये किसी फर्स्ट एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये आपके पास किसी दूसरे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, ये किसी और का मैग्नेटिक मोमेंट है, ये किसी और का मैग्नेटिक मोमेंट है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सारे के सारे है ये रैंडमली हैं। और ये ऐसा है किसकी वजह से आपके पास, थर्मल एनर्जी की वजह से या थर्मल इफेक्ट की वजह से ये रैंडमली क्या होते हैं बेटा, अलाइन होते हैं। इसलिए इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस कंडीशन पे निकल के आता है वो कितना होता है बेटा, जीरो। क्योंकि किसी एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट किसी दूसरे एटम के मैग्नेटिक मोमेंट से क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे यही बात बोली गई होगी आपके पास, दिस टाइप ऑफ मटेरियल हैव अनपेयर आपके पास है व्हेन एक्सटर्नल, सॉरी कहाँ गया, हाँ, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जीरो बिकॉज रैंडम ओरिएंटेशन ड्यू टू थर्मल एजेंशन। जो थर्मल एजेंट है आपके पास उसकी वजह से ये रैंडमली क्या होते हैं बेटा, ओरिएंटेड होते हैं, जिससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, जीरो। बट जैसे ही ये आप एक बी मैग्नेटिक अप्लाई कर देते हैं तो व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड द टॉर्क एक्ट ऑन देम। आपने पढ़ा है टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, एम बी साइन थीटा, मतलब कि डाइपोल मोमेंट को बी मैग्नेटिक फील्ड लगेगा जो इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर देंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इन सब पे टॉर्क लगा और ये सारे के सारे इस डायरेक्शन में अलाइन होने की क्या कर रहे हैं बेटा, कोशिश कर रहे हैं। आपके पास डायपोल डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ऑल मैग्नेटिक डायपोल डू नॉट गेट अलाइन ड्यू टू द थर्मल इफेक्ट।
अब होगा क्या कि यहाँ पे अभी भी थर्मल एनर्जी है, जिसकी वजह से कुछ तो अलाइन हो जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएंगे। जैसे ये वाला नहीं हो पाया आपके पास या ये नहीं हो पाया, तो मैक्सिमम आपके पास क्या होते हैं बेटा, अलाइन हो जाते हैं। हैंस द मटेरियल गेट सम नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। इस कंडीशन पे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, जीरो, बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक कुछ अमाउंट निकल के आएगा, किसकी वजह से, इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास। और ये ही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्लोली क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्ट होते हैं। थैंक यू।